हरे कृष्णा। तो जो गायत्री है और गुरु गायत्री है, तो इसका अर्थ है कि हमें गुरु के बारे में चिंतन करना चाहिए। कम से कम ऐसे बोलते हैं ना, त्रि संध्या, तो कम से कम दिन में 3 बार तो चिंतन करना ही है। और जो शिष्य गुरु को निरंतर चिंतन करते हैं, तो वो निश्चित रूप से गुरु के प्रति शरणागत होते हैं, गुरु के प्रति आदर भाव डेवलप करते हैं, और साथ ही साथ गुरु की आज्ञाओं के प्रति जो है उनका ध्यान रहता है, जो भक्ति में प्रगति करने का एक महान रहस्य है। तो इसमें गुरु मंत्र में एम आता है, जैसे हम ओम बोलते हैं वैसे ही एम है, या बीज मंत्र है। जैसे बीज में बहुत सारी शक्ति होती है, क्यों? क्योंकि बीज एक बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा कर सकता है, दिखने में छोटी सी लगती है। तो इस तरह से ये जो एम शब्द है, इसी से गुरु गायत्री का सारा सारा शब्द निकला है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है बीज मंत्र। गुरु ही हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा का बीज डालते हैं, और गुरु ही अपने कृपा से, अपने शिक्षाओं से इस बीज का पोषण करते हैं। और जब हम उस शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं, तो हम हमारा भक्तिलता बीज जो है बढ़ने लगता है, और एक ये लता भगवान कृष्ण के चरण तक पहुंच जाता है, यानी हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। जैसे बट वृक्ष का जो बीज है वो कितना छोटा है दिखने में, लेकिन कितना बड़ा वृक्ष पैदा कर देते हैं, वैसे ही जो शुरुआत में हम भक्ति से जुड़ते हैं, तो सब जब हमें गुरु प्राप्त होता है, तो ये हमारा बहुत बड़ा एक प्रकार से अचीवमेंट है। और जब हम खासकर गुरु मंत्र प्राप्त करते हैं, ये एम जो शब्द है ये बीज मंत्र है, तो यानी हमारे हृदय में गुरु के प्रति और कृष्ण के प्रति जो है श्रद्धा उत्पन्न करेंगे। जब हमारे हमारा उच्च स्थिति प्राप्त होता है, अर्थात हम उत्तम भक्त बन जाते हैं, उत्तम अधिकारी भक्त बन जाते हैं, तो हमारे हृदय में गोलोक का जो स्वरूप है वो गुरु प्रकट कर देते हैं। अर्थात हमें कैसे पता चलेगा कि गोलक में हमारी क्या सेवा है, वो भी हमें गुरु के माध्यम से ही पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि हम गुरु को बस दीक्षा ले लिया और हम गुरु से कोई कनेक्शन नहीं है, गुरु का कोई उपदेश फॉलो नहीं करते हैं, तो हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से भले ही कोई हरे कृष्णा महामंत्र दीक्षित हो या गायत्री दीक्षित हो, तो फिर भी गुरु के प्रति श्रद्धा से ही ये सारे मंत्र काम करेंगे। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तो आपको एक ऐसे प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, उनको भगवान के विषय प्रश्न पूछना चाहिए, उनकी बपू सेवा वाणी सेवा करना चाहिए, और वो ही आपको मेरा दर्शन करा सकते हैं, यानी कृष्ण का दर्शन करा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कृष्ण का दर्शन किया हुआ है। स्वरूप सिद्धि, तो हमारा स्वरूप सिद्धि हमें तभी प्राप्त होगा जब हम गुरु के माध्यम से भगवान की सेवा करते हुए उस स्थिति को प्राप्त करेंगे जिसमें हम शुद्ध नाम जप करने लगेंगे। तो ये एम, और जो ये एम शब्द है, इससे सरस्वती देवी का भी एक्चुअली पूजा होता है कि वो ज्ञान की देवी है। और ये जितने भी गायत्री मंत्र है, ये मन में उच्चारित करने वाले मंत्र है, इसको उच्च स्वर में नहीं बोला जाता है, ये गुप्त है और गुरु ही शिष्य को देते हैं। मन में उच्चारित करने वाले व्यक्ति के बाहर और अंदर की शक्ति का जो है वो आवाहन करते हैं, और साथ ही साथ उन शक्तियों को बुलाने की क्षमता प्रदान करती है। जैसे कि आपने भीष्म पिता कुंती महारानी की बात करते हैं पहले, तो कुंती महारानी को दुर्वासा मुनि ने प्रसन्न होकर
किसी भी देवता के आवाहन करके पुत्र प्राप्त करने की शक्ति दिया था, है ना। तो इसी प्रकार से ये जो मंत्र है तो ये हमें वो शक्ति प्रदान करते हैं, वो क्षमता प्रदान करते हैं कि हम भगवान की शक्ति का आवाहन कर सके। तो एम चित बीज है, आप हम क्या बोलते हैं कृष्णा, सच्चिदानंद विग्रह, सत चित आनंद। सत का मतलब होता है शाश्वत और चित का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान और आनंद का मतलब होता है आनंद, जो आह्लादनीय शक्ति है राधा रानी। तो यहाँ पे एम जो शब्द है वो चित बीज है, चित शक्ति यानी ज्ञान का आवाहन करते हैं, ज्ञान की शक्ति के आवाहन करता है, क्योंकि ज्ञान के बिना अगर हम भक्ति करते हैं तो भक्ति सेंटिमेंटल हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद ने ज्ञान पर और खासकर भक्तों के जो है इस ज्ञान को प्रैक्टिस करने पर बहुत ज़्यादा फोर्स किया है, बहुत ज़्यादा उन्होंने पुश किया है, लोगों को मोटिवेट किया है। ज्ञान भी बहुत प्रकार के होते हैं, भौतिक ज्ञान है, एक तो है कि निराकार ब्रह्म का ज्ञान कि कैसे उसमें मर्ज होना है, और एक भक्ति विषय ज्ञान है या परमात्मा विषय ज्ञान है। तो हमें कौन सा ज्ञान चाहिए, भक्ति विषय ज्ञान। तो हम ज्ञान की शक्ति का आवाहन करते हैं, क्योंकि ये जो बीज मंत्र है सरस्वती देवी की उपासना हेतु बीज मंत्र है, और हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि सरस्वती देवी भी दो है। दो सरस्वती देवी में, जैसे कि हम बोलते हैं ना लक्ष्मी देवी भी, जैसे एक तो नारायण के साथ रहती है ना, और एक जो है मर्त्य लक्ष्मी जो हमारे पृथ्वी में रहती है, तो भौतिक संपत्ति प्रदान करती है ना, वहाँ पे आध्यात्मिक संपत्ति है। तो ऐसे ही भौम सरस्वती जो है वो ब्रह्मा जी की पत्नी है, और लेकिन भौम सरस्वती का भी विस्तार दिव्य सरस्वती से ही हुआ है, वो दिव्य सरस्वती के ही प्रतिबिंबित रूप है। जैसे योग माया महामाया, तो योग माया से ही महामाया का विस्तार है, लेकिन प्रतिबिंबित रूप है। और भौम सरस्वती भौतिक ज्ञान प्रदान करने वाली है, जो पृथ्वी के लोग पूजा करते हैं वो भूमि के सरस्वती की पूजा करते हैं ताकि उनको भौतिक ज्ञान प्राप्त हो, एग्जाम में पास हो जाए। एक दिव्य सरस्वती है जो नारायण के नित्य प्रेयसी है, और वो वैकुंठ में ही निवास करती है और हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती है। तो भक्तों को दिव्य सरस्वती जो है आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती है, और दिव्य सरस्वती जो है वो भगवान नारायण को इतना प्रिय है, बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर ही व्यक्ति आगे बढ़ते हैं ना, वैकुंठ धाम तक जा सकते हैं, वैकुंठ का ज्ञान प्रदान करती है। तो एक बार आपको मालूम है कि तुलसी महारानी जो वृंदा गोपी है गोलक धाम में, उनके मन में इच्छा हुई कि भगवान को मैं पति रूप में प्राप्त करूं। तब राधा रानी ने उनकी इच्छा पूर्ति करने हेतु ही, जब वो एक बार सेवा कर रही थी और सेवा में ही उसमें से ध्यान ही नहीं रहा, ऐसा हो गया, तो भगवान से जब मिले और भगवान से मिलने के बाद वो ध्यान नहीं रहा, सुदबुद्ध खो दिया और सेवा करना भूल गई, तो राधा रानी ने उसी बहाने श्राप दिया कि जाओ तुम मृत्यु लोक में जन्म लो, क्योंकि वो प्रोसेस था ताकि वो वैकुंठ में जाए और भगवान की पत्नी बने। तो इस प्रकार जो है वृंदा देवी आती है पृथ्वी लोक पर, तब राधा रानी ने एक बालक गोपाल था, मतलब गोप था, तो वो तुलसी देवी के प्रति थोड़ा आकृष्ट था, तो उनको भी श्राप दे के मृत्यु लोक में भेज दिया, जो बाद में शंखचूड़ बने और तुलसी देवी से विवाह किया। फिर उनकी सतीत्व के प्रभाव के कारण देवता, यहाँ तक कि महादेव के त्रिशूल भी उसको मार नहीं पा रहे थे, तो भगवान विष्णु के पास जब सभी देवता गए तो भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी देवी के पास आए और बोला हम युद्ध जीत गए, और ऐसे आलिंगन किया, तो इससे बाद में शंखचूड़ मारे गए। तो फिर तुलसी देवी भगवान को पत्थर होने का श्राप देती है, फिर वो शालिग्राम शिला बन जाते हैं, फिर देवता लोग आते हैं और तुलसी देवी को बताते हैं तो साक्षात नारायण है। फिर तुलसी देवी को ये था कि क्योंकि वो नारायण की भगवान की तपस्या कर रही थी ताकि वो पति रूप में प्राप्त करे, त
तब उनको ब्रह्मा जी ने बताया कि वो भगवान के ही अंश हैं, शंखचूड़ से विवाह कर लो। तो फिर उन्होंने किया था विवाह। तो जब उनको पता चला कि भगवान नारायण हैं, तो फिर वो बहुत ऐसा हुआ कि मैंने ऐसे क्यों बोल दिया कि पत्थर हो जाए। फिर भगवान कहते हैं कि आप ये भौतिक शरीर त्याग दो, तो ये जो पूरा शरीर है आपका, ये गंधक रिवर बन जाएगा। गंधक नदी जो अभी नेपाल में है, वहाँ शालिग्राम शिला मिलेगा, और बाल जो है वो तुलसी का पौधा बन गया, जिससे हम भगवान की सेवा करते हैं। तो बाद में जब वैकुंठ ले गए तुलसी देवी को, तो वहाँ पे सरस्वती देवी, जो आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने वाले दिव्य सरस्वती देवी है, उन्होंने तुलसी को कुछ कह दिया, और जिससे तुलसी देवी बहुत नाराज हो गई और वो अदृश्य हो गई। ये बात नारायण को पता चला, लेकिन उनका दिव्य सरस्वती भी इतने प्रिय है, उन्होंने उनको कुछ भी नहीं कहा और तुलसी को ढूंढने निकले, और तुलसी को आह्वान करने लगे कि आ जाओ, मैं आपको अपने सर पे धारण करूंगा। तो इस तरह से तुलसी देवी बाद में फिर प्रकट होती है, और भगवान आज भी शालिग्राम उनको अपने उनके पत्ता अपने सर पे धारण करते हैं। तो ये दिव्य सरस्वती भगवान को बहुत प्रिय है। और जहाँ तक गुरु का प्रश्न है, गुरु इन सभी का प्रतिनिधि है। हम सोचे कि नहीं, गुरु केवल कृष्ण का प्रतिनिधि है, नहीं, गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि है, राधा रानी का प्रतिनिधि है, बलराम जो आदि गुरु है उनका प्रतिनिधि है, जितने वैष्णव वृंद है उनका प्रतिनिधि है, जितने देवी देवता है उनका प्रतिनिधि है। कभी भी ऐसे सोचना जैसे कोई दूसरे वैष्णव हो गुरु के पास, और आप ऐसा सोचे कि ये वैष्णव मेरे गुरु से ज़्यादा उन्नत है, या आपका श्रद्धा उनके प्रति ज़्यादा है, ऐसा सोचना भी गलत है। क्यों? क्योंकि गुरु साक्षात भगवान हरि के अवतार है, जो आपके जीवन में आए हैं। जब हम गुरु से मिलने जाते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि हम कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, और गुरु के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, कृष्ण के प्रति जैसी श्रद्धा वैसी ही श्रद्धा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो वो व्यक्ति के हृदय में वेदों का सारा ज्ञान प्रकाशित हो जाती है, नहीं तो हम हमेशा मैकेनिकल रहेंगे। हरिनाम दीक्षा ले लिया, ब्राह्मण दीक्षा ले लिया, हम एक संस्था में, इस्कॉन संस्था में सीनियर बोले जाएंगे, लेकिन हो सकता है हम वृद्ध हो गए, लेकिन फिर भी हम कनिष्ठ लेवल पर ही रहेंगे अगर हमने गुरु के प्रति श्रद्धा डेवलप नहीं किया। शास्त्र भी कहते हैं जो गुरु को साधारण व्यक्ति समझते हैं वो निश्चित रूप से नरक जाता है, क्योंकि वो साधारण मनुष्य नहीं है। लेकिन कई बार गुरु के बहुत करीब रहने वाले के अंदर फैमिलियरिटी ब्रिज कंटेम्प्ट होता है, जो बहुत खतरनाक है। तो इसलिए हमें ये दिव्य सरस्वती जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती है, तो ये हमेशा हमें ज्ञान के पास रहना पड़ेगा, और जब जब गुरु के पास जाएं हमें उस भाव को याद रखना होगा। नहीं तो क्या होता है ना कि अच्छा गुरु भी हमारी तरह सो रहे हैं, अच्छा गुरु भी वो कर खा रहे हैं, गुरु भी ये कर रहे हैं, तो इस तरह से व्यक्ति साधारण मनुष्य ना समझे। हाँ, ये बात है कि ये क्योंकि शास्त्र में ये सब बातें बताया गया है, तो कई बार क्या होता है जो पाखंडी गुरु होते हैं, तो भी वो भी शास्त्र का वो देकर अपने पूजा करवाते हैं शिष्य से। लेकिन आप प्रामाणिक गुरु को देखिए, वो हमेशा, आप भले ही उनको कृष्ण जितना ही सम्मान प्रदान करें, वो हमेशा अपने आप को कृष्ण का एक दास ही समझते हैं, और जो भी वो प्राप्त करते हैं, जो भी वो अचीवमेंट करते हैं, सबका क्रेडिट वो अपने गुरु को प्रदान करते हैं। तो ये प्रामाणिक गुरु का लक्षण है। तो यानी अगर हम गुरु को प्रसन्न करते हैं, तो हमारा ग्रह, नक्षत्र, देवी देवता, वैष्णवगण, राधा रानी, कृष्णा, बलराम सब प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए गुरु की प्रसन्नता ही हमारा जीवन का ध्येय होना चाहिए। तो ओम शब्द भी आता है, तो ओम सत शक्ति को आवाहन करता है। सत बीज है, सत का मतलब क्या है कि शाश्वतता। तो हम एक अभी कंडीशन लेवल से हम शाश्वतता की ओर जा रहे हैं, हम वैकुंठ या गोलक धाम में जाना चाहते हैं, है ना। तो इसमें क्लिम शब्द भी आता है, तो क्लिम भगवान की आह्लादनी शक्ति को बताया जाता है। क्लिम से श्रीमती राधा रानी, जो कि कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, उनको आवाहन करने का ये बीज मंत्र है। गुरु जो है हमें तैयार करते हैं ताकि हम अपने समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं,
और समस्त इंद्रियों को आध्यात्मिकीकरण कर दे, ताकि हम दिव्य जगत के आश्चर्य को देख सकें। इसलिए हमारे आंखें खोल देते हैं गुरु, जैसा कि एम बीज मंत्र में है और ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध में 87 चैप्टर 33 तात्पर्य में श्री प्रभुपाद बताते हैं। तो हम जो संबंध भूल गए हैं गुरु, उसको हमें तुरंत उस संबंध को स्थापित करते हैं, पुनः याद दिलाते हैं अपने कृपा शक्ति से, और हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत करते हैं। योग माया गुरु के रूप के माध्यम से दिव्य सरस्वती के रूप में प्रकट होकर शिष्य बनने की जो चाह रखने वाले आत्माएं हैं, जो आप देखिए कुछ लोग भगवान, आप प्रचार करते हैं भगवान के बारे में, किसी को बताते हैं तो कुछ लोग तुरंत आकृष्ट हो जाते हैं और कुछ लोग आपके पास रहकर भी आकृष्ट नहीं हो पाते हैं। तो उन पर कृपा होती है जो चाह रखते हैं कि मैं शिष्य बनूं और मैं जो है इन आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करूं, भगवान के प्रति भक्तिमय सेवा करूं। तो यानी इच्छा रखना, इच्छा शक्ति जो भगवान ने दिया है ये बहुत बड़ा वरदान है। तो अगर इसका हम दुरुपयोग ना करके, यानी भौतिक जगत की चीज़ों के प्रति चाह उत्पन्न ना करके, अगर हम भगवान के प्रति इच्छा उत्पन्न करेंगे, आध्यात्मिक इच्छा उत्पन्न करेंगे, तो क्या होगा, हमारा हृदय में भगवान के प्रति जो संबंध है और वो हमें प्राप्त हो जाएगा, वो पता चल जाएगा उसके बारे में। संबंध तो है पर कंडीशन लेवल में वो इतना महसूस नहीं होता, जैसे कि कोई पति पत्नी से बहुत अटैच्ड है या माँ बेटे से बहुत अटैच्ड है तो हर पल उनको उनका ध्यान रहता है। लेकिन हमारा कृष्ण के साथ जो है इन माँ बेटा पति पत्नी से संबंध से भी इतना बड़ा संबंध है पर हमें ध्यान नहीं रहता। गुरु के साथ हमारा इतना बड़ा संबंध है, जन्म जन्मांतर का संबंध है, हमें उसका भान नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता। तो लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, हमें ये जो मंत्र है गुरु मंत्र, ये हमें मदद करती है गुरु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए, गुरु का निरंतर ध्यान करने के लिए, कृष्ण का ध्यान करने के लिए। और फिर योगमाया गुरु के माध्यम से क्या करती, दिव्य सरस्वती के रूप में प्रकट होकर शिष्य बनने की जो चाह रखने वाले लोग हैं उनके हृदय में संबंध, अभिधेय और प्रयोजन को अभिव्यक्त कर देती है। तो यानी प्रयोजन क्या है, कृष्ण प्रेम। अभिधेय क्या है, ये है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक्चुअली शुद्ध नाम जप करने से हम गोलक धाम जाने के लायक बनते हैं। तो ये जो गायत्री मंत्र भी है, ये भी हमें हरि नाम और शुद्ध तरीके से लेने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी हमारे अंदर और शुद्धता ले आएंगे। ये जो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, भगवान के लिए भोगा बनाते हैं, हम हरि नाम संकीर्तन करते हैं, मंदिर जाते हैं, दीपदान करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, ये सब कार्य भगवान श्री हरि का शुद्ध नाम लेने में हमें मदद करते हैं, सहायक है। तो इसलिए हमें अपनी इच्छा शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। तो गुरुदेव भगवान की स्वरूप शक्ति के प्रतिनिधि है और गुरुदेव भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। वो छह वेगों पर दमन करते हैं, जैसे कि रूप गोस्वामी पाद ने कहा है, वाचो वेगा मनस क्रोध वेगा जीभा वेगा मुदरुपस्थ वेगम एतान वेगान्विषहेत धीरा सर्वाम अपि माम पृथ्वीम स शिष्या। तो पूरे पृथ्वी में शिष्य बना सकते हैं। तो इसलिए शुद्ध भक्त जो है वो छह वेगों पर दमन करते हैं, बोलने में कुछ भी नहीं बोलते, वो कृष्ण कथा ही बोलते हैं। और दो प्रकार के जनरली ऐसे भक्त हमें देखते हैं कि जैसे कि कुछ भक्त ना बहुत इमोशनल होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, फैनाटिक होते हैं, मान लीजिए बात बात पर रोते भी हैं, लेकिन वैष्णवों के हिसाब से वो बिहेव नहीं कर पाते। अच्छी बात है, आप भगवान से हम कैसे भी जुड़े वो बहुत अच्छी बात है, उद्धार होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भगवान से शत्रुता का भाव भी रखता है, ईर्ष्या करता है जैसे शिशुपाल, लेकिन भगवान के हाथों मारा गया तो उनका उद्धार हुआ। कोई भगवान से बहुत भय के कारण स्मरण करता रहता है जैसे कंस, तो मारा गया लेकिन उद्धार हुआ।
तो इस तरह से भगवान से कोई डिवोशनली अटैच रहते हैं, कोई अफेक्शनेट, यशोदा मैया नंद बाबा की तरह कोई अपने उनको प्रेमी मानते हैं, है ना। तो उससे भी भगवान के प्रति काम भावना रखने वालों का भी क्या होता है, उद्धार होता है। लेकिन जब हम इमोशनल भक्ति करते हैं तब हम ये वेगों पर दमन नहीं कर पाते हैं, तब हम क्रोध करेंगे, भक्तों से ईर्ष्या करेंगे, सब सब अपराध करेंगे। तो हमें डिवोशनल बनना चाहिए। हमारे अंदर क्रोध आता है तो भी हमें ये देखना है कि हम साधु शास्त्र गुरु के अनुसार सही कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नहीं तो भक्त भक्त के ऊपर ही लड़ाई हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो यानी शुद्ध भक्त हमेशा भक्तिमयी होते हैं, डिवोशनल होते हैं और आवेग पर नियंत्रण कर सकते हैं। प्रभुपाद जब एक बार फॉरेन के रास्ते पर चल रहे थे तो एक शिष्य, जो फॉरेनर शिष्य थे, उनको कुछ मालूम नहीं है ज़्यादा, तो उन्होंने कहा कि अरे प्रभुपाद के सर के चारों ओर मुझे एक आभा दिखाई दे रहा है। और ये सत्य है, जैसे आपने सूर्य को देखा है, चंद्र को देखा है, तो सूर्य का रोशनी भी कितना ज़्यादा है, चंद्रमा जब पूर्णिमा के दिन कितना सुंदर शीतलता बिखारती हुई रोशनी हमारे ऊपर डालती है, लेकिन अगर बादल आ जाए तो वो रोशनी नहीं दिखाई देती है, ना सूर्य का ना चंद्र का। ठीक उसी प्रकार से जब हम कंडीशन्ड लेवल की चेतना में होते हैं तो हमारी जो इल्यूमिनरी से आत्मा का भी अपना ज्योति है तो वो नहीं दिखता है। लेकिन जैसे जैसे हम भक्तिमय बन जाते हैं, हम क्या हो जाते हैं, इल्यूमिनेटेड हो जाते हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड, वो ज्योति दिखने लगती है। कहने का मतलब यह है कि आवेग पर हमें नियंत्रण करना सीखना होगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो इस जन्म में, नहीं तो हजार जन्म के बाद, अदरवाइज हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। तपस्या मतलब टॉलरेट करना। और गुरु क्या करते हैं, हर एक कार्य साधु शास्त्र के अनुसार, अपने गुरु परंपरा के अनुसार हर एक पग चलते हैं। उनको स्वयं को बहुत सारा दुख हो जाएगा, लेकिन भले ही दुख मतलब जैसे शारीरिक कष्ट हो गया या कोई मान अपमान की वो चिंता नहीं करते, सुख दुख की वो चिंता नहीं करते हैं, वो निरंतर बस भक्तिमय पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं और लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं, लोगों को भक्ति करने के लिए उत्साह प्रदान करते रहते हैं। तो जैसे कि एक सेवेंथ कैंटो में श्रीमद् भागवतम, सेवेंथ कैंटो इसमें सेकंड चैप्टर में 48 श्लोक में एक एनालॉजी श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हमारे दिन में भी मन में बहुत सारी बातें आती रहती है ना, और रात को भी उसको हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। दिन में किसी के साथ कुछ घटना घट गई तो हम बहुत इंपॉर्टेंस दिया, ये हो गया पता है, वो हो गया पता है, लाइक दैट। और रात को कई बार ऐसा सपना आ सकता है किसी मनुष्य को कि वो एक बहुत अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री के साथ एंजॉय कर रहे हैं, तो ये सब फॉल्स ड्रीम्स है। भले ही वो रात को राजा भी बन जाए, वो फॉल्स है, और सुबह होते ही उसका सपना टूट जाएगा और वही के वही है ना। तो उसी तरह से इस भौतिक संसार में जो सुख के अनुभव है और दुख के अनुभव है, ये सब मीनिंगलेस है, ये सब मेटेरियल है। तो जो गुरु है वो इन बातों को जानते हैं और ये बात अपने शिष्य को भी सिखाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि गुरु जो है उसी मानदंड पर चलते हैं जो शास्त्र निर्धारित करते हैं। शुद्ध भक्त का लक्षण जो है गुरु में परिलक्षित होते हैं। जैसे कि गोलक धाम में एक भक्त स्वयं से अधिक दूसरे भक्तों से प्रेम करते हैं, तो ऐसा ही गुरु के अंदर लक्षण हमें देखने को मिलता है। जैसे कि हमारे गुरु महाराज के एक छोटा सा इंसिडेंट मैं बताऊंगी कि एक बार दिल्ली से हमें मायापुर ट्रेन पकड़ना था, तो एक परिवार था जिन्होंने अलीगढ़ इस्कॉन टेम्पल बनाने में मदद किया था कंस्ट्रक्शन में, तो उन्होंने भी टिकट करने के लिए बोला था एसी में, पर उनका टिकट किसी कारण से नाम एसी में नहीं आया, क्योंकि जहाँ पे 300-400 लोग जाएंगे तो जो ऑर्गेनाइज़र है तो वो उनको स्लीपर में डाल दिया। तो फिर उनको थोड़ा सा दुख हो गया कि हमने एसी में बोला था पर स्लीपर में डाल दिया। तो फिर उन्होंने, क्योंकि वो गुरु महाराज को ही जानते थे, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो गुरु महाराज को आके पूछते हैं कि गुरु महाराज हमारा तो स्लीपर में नाम आया जबकि हमने एसी में अप्लाई किया था। तो गुरु महाराज ने कहा कि अच्छा,
कोई बात नहीं, मेरे पास ना 2 सीट है, लेकिन आप उन 2 सीटों के बारे में किसी को मत बताना, मैं आपको चुपचाप नंबर दे दूंगा, तो आप बस रात को ही गुजारना है, रात के बाद तो सुबह आ ही जाएगा नेक्स्ट डे मायापुर, तो आप उन दोनों सीट में सो जाना। तो इस तरह से बोलकर उनको सीट नंबर बता दिया कि आप शाम को आ जाना और सो जाना, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। तो फिर ठीक है, तो वो लोग एसी की वो 2 सीट जो स्पेशल था और खाली था वहाँ पे जाके सो गए। तो फिर बाद में जब मायापुर उतरे तो वो देखते हैं कि गुरु महाराज स्लीपर कोच से बाहर निकल रहे हैं, गुरु माता और गुरु महाराज। तो बाद में जब बाकी शिष्यों से पूछा तो पता चला कि उन लोगों की सीट पे गुरु महाराज और गुरु माता सोकर आए और उनको अपना एसी वाला सीट उन्होंने दे दिया। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि किस लेवल तक जाकर, हालांकि वो लोग बिल्कुल नए थे, अभी भक्ति शुरू भी नहीं हुआ था, मतलब इसे प्रॉपर सोलमला चार नियम ऐसा शुरू नहीं हुआ था, लेकिन कितना प्रेम करते हैं जो गुरुपद में होते हैं। जैसे कि हमारे गुरु महाराज ने दृष्टांत प्रस्तुत किया, ऐसे तो अनेकों दृष्टांत हैं, ये तो हम एक बता रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि उनके लक्षण परिलक्षित होते हैं, उनके उनके पास जितना कोई जाएगा उतना ही ज़्यादा और गुण उनके अंदर दिखने को मिलेगा। जैसे आप भौतिक व्यक्ति के पास जब, जैसे कि किसी एक लड़के को लड़की से प्यार हुआ कॉलेज में, उनको हमेशा ये सोचा कि मैं कैसे शादी करूँ, फिर शादी कर लिया, फिर शादी करने के बाद जब लड़ाई झगड़ा होने लगता है तो उनका प्यार थोड़ा कम होने लगता है ना। भौतिक जगत में ऐसा ही होता है कि एक दूसरे से व्यक्ति क्या होते हैं, जितना पास आते हैं कमियाँ दिखने लगती है, कमियों को सहन नहीं कर पाते हैं, फिर थोड़ा सा कम होने लगता है प्यार। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता है, गुरु आध्यात्मिक जगत से आए हैं, उनके हम जितना भी करीब जाएंगे उतना ही और अधिक गुण हमें दिखाई देने लगता है। तो यानी स्वरूप शक्ति क्या है, चित शक्ति या संविद शक्ति प्लस आनंद शक्ति आह्लादिनी शक्ति इज इक्वल टू स्वरूप शक्ति है। यानी चित शक्ति क्या है, बलराम है, बलराम आदि गुरु है, और आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी है। तो ये स्वरूप शक्ति है, ये दोनों मिलाकर स्वरूप शक्ति है। तो एम का अर्थ बलराम है जो आदि गुरु है। भगवान श्री कृष्ण की कैसे सेवा करना है ये कृष्ण से अच्छे से कौन जानेंगे, वो भगवान है। तो इसलिए भगवान ने अपने लेफ्ट साइड से श्रीमती राधा रानी को प्रकट किया और अपने राइट साइड से बलराम को प्रकट किया। आप देखिएगा मंदिर में कभी भी कृष्ण बलराम, बलराम हमेशा कृष्ण के राइट साइड में होते हैं और श्रीमती राधा रानी हमेशा लेफ्ट साइड में होती है राधा कृष्ण में। तो एक्चुअली राधा रानी भी कृष्ण ही है, जैसे कि हमारे उपनिषदों में राधिका तापने उपनिषद है, राधिका उपनिषद है, इन सब में स्पष्ट पता चलता है कि राधा रानी साक्षात कृष्ण ही है, ये दोनों अलग है ही नहीं, एक ही है। और बलराम भी कृष्ण ही है, कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, बलराम गोरा कृष्ण है। तो ऐसे ही कृष्ण श्याम वर्ण के, राधा रानी स्वर्णिम पिघला हुआ सोना जैसा कलर है श्रीमती राधा रानी का, कृष्ण है। तो कृष्ण से अलग नहीं है, लेकिन कृष्ण ही तो बता सकते हैं ना कैसे सेवा करना है। इसलिए श्रीमती राधा रानी टॉप मोस्ट भक्त में आते हैं, तो वो सेवा करके दिखाती है कि भगवान के प्रति कैसी भावना रखना चाहिए, कितना शरणागति की भावना होना चाहिए, कितनी भक्तिमय भावना होनी चाहिए। और बलराम जी भी यही शिक्षा प्रदान करते हैं। बलराम बहुत लोगों के गुरु है, उपास्य देवता है, भगवान शंकर के गुरु बलराम जी है, अनंत शेषनाग बलराम ही है, और अनंत शेषनाग का स्मरण रखने के लिए ही तो शिव जी गले में धारण करते हैं सर्प, ताकि उनको अपने प्रभु का ध्यान रहे। तो इस तरह से यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं कि एम बलराम जी को भी द्योतित करते हैं, राधा रानी को भी द्योतित करता है, और राधा रानी का ही विस्तार है दिव्य सरस्वती। जितने भी देवियाँ हैं, जितने भी शक्तियाँ हैं, एक्चुअली श्रीमती राधा रानी से ही विस्तार होता है, श्रीमती राधा रानी से विस्तार होता है द्वारका की 16108 रानियाँ, श्रीमती राधा रानी से विस्तार होते हैं अनंत गोपियाँ, श्रीमती राधा रानी से ही विस्तार होती है जितने वैकुंठ है सब लक्ष्मियाँ, पार्वती देवी, दुर्गा देवी, समस्त देवियाँ, दिव्य सरस्वती,
सभी लोग राधा रानी का विस्तार है। तो गुरु शिक्षा भी देते हैं हमें, इसे बलराम ज्ञान प्रदान करते हैं, शिक्षा चित शक्ति है, और आध्यात्मिक आनंद जो राधा रानी है, आराधनीय शक्ति है, गुरु हमें आध्यात्मिक आनंद का भी आस्वादन कराते हैं। इसलिए गुरु भगवान बलराम और श्रीमती राधा रानी दोनों के प्रतिनिधि हैं। गुरु तत्व में एम बीज मंत्र और कृष्ण तत्व में क्लीम बीज मंत्र है। जैसे उदाहरण है, जब हम गुरु के चरणों में पुष्प चढ़ाते हैं, इदम पुष्पम एम गुरुवे नमः, तो ऐसे एम शब्द आता है उसमें, तो ऐसे ही कृष्ण में क्लीम शब्द आएंगे। जैसे इदम पुष्पम क्लीम कृष्णवे नमः एक एग्जाम्पल है, तो क्लीम शब्द भगवान के लिए उपयोग होता है। गुरु मंत्र का अर्थ है कि जपते समय जब हम गुरु मंत्र जप करें, क्योंकि शिष्य के लिए गुरु ही परम गति है, परम धाम है, परम विद्या है, परम धन है, कृष्ण ही गुरु रूप में हमारे जीवन में आते हैं, तो इसलिए हमें जपते समय गुरु मंत्र का जो अर्थ है उसका ध्यान में रखना चाहिए कि मैं अपने गुरु को सादर प्रणाम करता हूँ, मैं श्री हरि का चिंतन करता हूँ जिन्होंने गुरु का रूप धारण किया है, उनके शाश्वत देह शुद्ध भक्ति से परिपूर्ण है और उनका चरण कमल जो है कृपा सुधा से भरपूर है, इतने कृपालु है, उनका रूप स्वर्णिम है और वे श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और एक श्वेत माला धारण करते हैं, ऐसे उनको ध्यान करना चाहिए। गुरुदेव 10,000 चंद्रमाओं की भांति उज्जवल तथा शीतल है, उनके हाथ अभयदान करते हैं और आशीर्वाद की मुद्रा प्रदर्शित करते हैं, आशीर्वाद ऐसा मुद्रा, तो वे चंदन से सुशोभित है, 12 जगहों पर वो तिलक लगाते हैं और वे शांति का निवास स्थान है और अपने भजन में आनंदित होते हैं। ये जो पूरा जगत है वो जैसे कड़ी धूप की तरह है और गुरु महाराज का जो आश्रय है वो शीतल छाया है। क्यों है? आप देखिए, कोई भी व्यक्ति को पकड़िए जो नौकरी कर रहे हैं कंपनीज में, इतना फास्ट ग्रोइंग है, इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह आ चुका है, अगर आपका कैपेसिटी 10 का है तो आपको कंपनी बोलेंगे 100 का टारगेट पूरा करो, वो ये सोचते हैं कि 50 तो कम से कम कर ही लेंगे और प्रेशर में लोग कर भी लेते हैं, फिर उनका कोई निजी जीवन नहीं रह जाता है, इतना स्ट्रेस है, अगर कोई भक्ति नहीं करेगा तो स्ट्रेस को कैसे हैंडल करेगा? आपने सुना होगा ऐसा न्यूज़ में, ऐसे नहीं बोलूँगी अलग से, लेकिन सुना होगा कि कहीं के मैनेजर थे और उन्होंने सुसाइड कर लिया क्योंकि स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाए। स्ट्रेस लेवल जितना वैदिक कल्चर से हम दूर जा रहे हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है, जितना हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है, और आज छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस पैनिक अटैक आता है। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, अब हम कलयुग में आ चुके हैं, अब मशीन युग है, तो हम इससे भाग के जंगल तो नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी जहाँ पे भी हम हैं, अगर हमने कृष्ण भक्ति को नहीं अपनाया, आध्यात्मिक गुरु का आश्रय नहीं ग्रहण किया ना, कोई भी व्यक्ति वर्क प्लेस हो चाहे घर हो, स्ट्रेस लेवल मैनेज नहीं कर सकते, भले ही सोसाइटी हो, भले ही वो घर में बैठे और समाज के लोगों से ही डीलिंग करे, क्योंकि कोई भी इस समय टॉलरेट नहीं करते हैं और हमेशा प्रोवोकिंग सिचुएशन रहता है, कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, तो इस समय हरिनाम ही एकमात्र आश्रय है, और वो हरिनाम हमें किससे ग्रहण करना चाहिए? गुरु से, तो शांति का निवास स्थान है। इसलिए सनत कुमार संहिता में बताया गया है, उनका स्वरूप सच्चिदानंदमय है, वे सहजता से आशीर्वाद देते हैं। गुरु तो जैसे गोलकधाम से इसलिए उतर के आए हैं कि आप मांगो नहीं कि वो दे दे आशीर्वाद, ऐसा गुरु के जब हम करीब रहते हैं ना, हमारे कितने पाप नष्ट हो जाते, वो ले लेते हैं एक्चुअली, क्योंकि वो इतने कंपेशनेट है कि वो सहन नहीं कर सकते हैं कि जीवात्मा कष्ट में हो। तो इस प्रकार से जब दीक्षा देते हैं गुरु, सभी का पाप ग्रहण करते हैं। हाँ, लेकिन ये बात है कि वो कृष्ण को अर्पित करते, कृष्ण के चरण में वो भस्म हो जाता है।
तो गुरु, कभी भी गुरु हमारे वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। गुरु हमेशा कांतिमय तरुण है, जैसे भगवान है, क्योंकि वह आध्यात्मिक स्वरूप है, कोई भौतिक शरीर नहीं है। हाँ, हमें उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, उसको बपु सेवा का लाभ मिलेगा हमें, लेकिन हम उनको साधारण मनुष्य की तरह नहीं सोच सकते हैं, एक क्षण के लिए भी नहीं सोच सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो इसलिए आपने देखा होगा ऐसा शिष्य जो बोलते हैं, अरे हमारे गुरु महाराज कितने यंग और एनर्जेटिक लगते हैं ना, है वो, ये सत्य है। वे ईश्वर सेवा के लिए समय हमेशा उत्कंठित रहते हैं। जो हमारा कोई कैपेसिटी नहीं है, वो निरंतर पूरे विश्व में ट्रेवल कर रहे हैं, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग टाइम जोन में, लोगों को जेटलेग होता है, बहुत दिन तक उतरता नहीं है, और प्रचार का इतना उत्साह है, इतना आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण है, वो निरंतर कर रहे हैं ऐसा। तो एक निर्मल मन के साधक को इस प्रकार अपने गुरुदेव का चिंतन करना चाहिए। और जैसे कि गुरुदेव कहते हैं कि प्रार्थना में बहुत पोटेंसी होता है, हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं, हमें रोज प्रार्थना करना चाहिए। अगर हम बहुत विनम्रता से प्रार्थना करते हैं तो एक्चुअली भगवान का हृदय पिघल जाता है, गुरु का हृदय पिघल जाता है, गुरु का हृदय पिघला हुआ तो हम सामने देख सकते हैं। तो वही आप समझ जाइए कि गुरु का हृदय पिघलना का मतलब भगवान का हृदय भी पिघल चुका है। तो तुरंत जो है वो हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना फिर से इच्छा शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना, हमारी प्रार्थना आध्यात्मिक होना चाहिए, ताकि हमें कोई भी समय हम बर्बाद ना करें भौतिक चीज़ों के पीछे। जैसे कि गुरु महाराज एक कोट में बोलते हैं कि जब हम उत्साह, निश्चय और धैर्य के साथ साधु शास्त्र और गुरु के प्रति शरणागत होकर भक्ति करते हैं तो सफलता ध्रुव है, अवश्यम भावी है। तो गुरु गायत्री का अर्थ अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। गुरु गायत्री हमारे हृदय में गुरु के प्रति आदर उत्पन्न करते हैं। आदर उत्पन्न करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे किसी का गुरु के प्रति अभी इतना मिले नहीं है, श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुआ है, तो उनको गुरु की ग्लोरिफिकेशन सुनना चाहिए, ब्यास पूजा में जाना चाहिए। जो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने का एक महान रहस्य है, अगर गुरु के प्रति किसी का आदर नहीं है, कृष्ण के प्रति बहुत आदर है, तो वो कनिष्ठ भक्त ही रह जाएगा, वो कभी उत्तम भक्त नहीं बन सकेगा। आप देखिए प्रभुपाद उत्तम भक्त है। प्रभुपाद के गुरु ने कहा कि आपको इंग्लिश आती है, यू आर सो हाईली एजुकेटेड, आप पाश्चात्य देश में जाओ और प्रचार करो। वो चले गए पाश्चात्य देश में, कुछ पैसा नहीं लेके गए, सिर्फ भागवतम बॉक्स में भर कर लेकर गए और सफल हुए। आज पूरे विश्व के एक एक कंट्री में इस्कॉन टेम्पल है, और फॉरेनर जो कृष्ण को कुछ भी नहीं जानते थे, वो धोती पहन के, साड़ी पहन के भगवान का नाम जप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी सफलता है। तो ये गुरु के प्रति निष्ठा के कारण ऐसा हुआ, इससे शक्ति प्राप्त होता है, ये बहुत महान रहस्य है। तो इस मंत्र शक्ति के द्वारा एक निष्ठावान शिष्य गुरु का पूर्ण दर्शन कर सकते हैं, अर्थात गुरु का जो नित्य स्वरूप है, गोलक धाम में उनका जो नित्य स्वरूप है, उसका भी अनुभव प्राप्त कर सकता है। जैसा कि हम उदाहरण ले सकते हैं श्रीनिवास आचार्य और रामचंद्र कविराज का। एक बार श्रीनिवास आचार्य भगवान के ध्यान में चले गए और आंखें ही नहीं खोल रहे हैं, 2 दिन हो गया। तो शिष्य लोग बहुत परेशान हो गए कि क्या बात है। तो फिर किसी ने बताया कि आंखें ही नहीं खोल रहे हैं, तो उनका बहुत प्रिय शिष्य है रामचंद्र कविराज, उनको बुला लेना चाहिए। तो बोला कि बुला लेना चाहिए, पर उनका घर तो बहुत, जाने में ही 2 दिन लगेगा। लेकिन उधर रामचंद्र कविराज भी उत्तम भक्त है, शुद्ध भक्त है, तो उनको भान हो गया था अपने गुरु का, तो वो अपने आप ही आकर पहुंच गए नेक्स्ट डे। तो फिर सब लोगों ने उनको बताया, चिंता किया, तो बताया कि कोई बात नहीं, मैं भी ध्यान में जाके देखता हूँ कि मेरे गुरु महाराज कहाँ हैं। तो ऐसे वो ध्यान में चले गए। तो एक्चुअली उन्होंने जब ध्यान में जाके देखा कि गोलक धाम में उनके गुरु कौन है, मणि मंजरी है। तो वो मणि मंजरी और उनके शिष्य जो रामचंद्र कविराज है, वो करुणा मंजरी है। तो ऐसा हुआ कि राधा रानी का एक नथ जो है भगवान के नथ गिर गया,
राधा रानी का नथ गिर गया, नाक का नोज रिंग गिर गया, तो यमुना के जल में गिर गया। तो वहाँ पे सब सखियाँ ढूंढ रही हैं, किसी को नहीं मिल रहा है। तो मणिमंजरी जब पहुँची थी ध्यान में, तो उनको एक राधा रानी की जो प्रिय सखी है ललिता सखी है, तो ललिता सखी ने गुणमंजरी को बोला कि राधा रानी का नथ खो गई है, तो आप अपने टीम के साथ ढूंढना शुरू करो। तो मणिमंजरी ढूंढ रही है अपने जो गोपियों के साथ, सखियों के साथ, जो कि श्रीनिवास आचार्य है। तो जब तब तक करुणा मंजरी पहुंचती है और मणिमंजरी को देख के बोलते, गुरुदेव आप क्या ढूंढ रहे हैं? तो बोल रहे कि राधा रानी का नोज रिंग ढूंढ रहे हैं हम सब लोग मिलके। तो फिर करुणा मंजरी कहती है कि ठीक है मैं भी ढूंढती हूँ। तो जब वो ढूंढ रही थी तो एक कमल पुष्प था, पुष्प के अंदर कुछ चमकता हुआ उनको दिखा, तो उन्होंने वो उठा लिया। तो देखा यही तो नोज रिंग है, तो उन्होंने अपने गुरु यानी मणिमंजरी को दे दिया। तो फिर मणिमंजरी ने कहा कि आप राधा रानी को दे दो, गुणमंजरी को दे दो। बोलते नहीं आप ही दे दीजिए। फिर वो गुणमंजरी को देते हैं, तो गुणमंजरी ने कहा नहीं आप ललिता सखी को दे दो, नहीं आप भी दे दीजिए करके ऐसे एक परंपरा जो है फॉलो किया। यानी इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि गुरु के माध्यम से ही, गुरु परंपरा के माध्यम से ही हम कृष्ण के लिए सेवा कर सकते, भले वो आरती हो, भोग लगाना हो। इसलिए गुरु मंत्र सबसे पहले बोलना आवश्यक है, भले ही प्रणाम हो, भले हम मंदिर में प्रणाम कर रहे हैं, सबसे पहले गुरु मंत्र। सुबह उठते ही हमें सबसे पहले गुरु का प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। तो यानी इतना उच्च स्थिति पर रामचंद्र कविदास थे कि वो अपने गुरु के स्वरूप को जानते थे। तो ऐसे हम भी जान सकते हैं। तो इस तरह से इस मंत्र का चिंतन करते समय व्यक्ति को सोचना चाहिए कि किस प्रकार गुरुदेव अपनी विविध सेवाओं से राधा रानी को सर्वदा आनंदित करते हैं। हमें गुरु को समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि हमेशा किस तरह से वो उत्साहित रहते हैं और आनंदमय कृष्ण भावना में स्थित है और भगवान के निरंतर सेवा कर रहे हैं। तो गुरु के लिए जो मंत्र है, तो उसमें गुरु के जब भी हम गुरु के पास जाते हैं तो हमें ये ध्यान होना चाहिए। और गुरु हमारा एक्चुअली सबसे अंतरंग मित्र होते हैं, क्योंकि हमें वो कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं जिससे हम हमेशा के लिए भगवान के धाम में निवास कर सकते हैं। उनसे बड़ा कोई मित्र नहीं है। और गुरु का कभी अगर क्रोध हमारे ऊपर प्रदर्शित होता है तो ये भी महान आशीर्वाद है। जैसे कि गुरु महाराज कहते हैं कि वैष्णव के श्राप में भी आशीर्वाद होता है। नारद मुनि ने जब कुबेर के दोनों पुत्रों को देखा कि नग्न होकर स्नान कर रहे, अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे और मेरे आने पर भी कपड़े नहीं पहने, अप्सराओं ने तो पहन दिया, तो उन्होंने उनको श्राप दिया कि तुम लोग तो इतना तमोगुणी हो गए हो, तो ठीक है तमोगुणी वृक्ष बन जाओ। लेकिन श्राप में वरदान था, वो वृक्ष भी बने तो कृष्ण के आंगन में बने। जब द्वापर लीला, द्वापर युग में भगवान आए तो कृष्ण के आंगन में वो अर्जुन के दो वृक्ष बने और भगवान ने दामोदर लीला में उन्हीं दोनों वृक्ष को उखाड़ के गिरा दिया और जिससे उन दोनों का उद्धार हो गया, उन्होंने भगवान का साक्षात दर्शन किया। तो इस प्रकार एक महान वैष्णव का श्राप भी आशीर्वाद होता है। तो गुरु अगर क्रोध करे तो इससे हमारा कितना ही अपराध होता है ना, सारे अपराध, हमारा सेवा अपराध वगैरह जो है वो नष्ट हो जाता है, कितने सारे पाप नष्ट हो जाता है। पाप का तो कहना ही क्या, अपराध बड़ी चीज है। तो इसलिए अगर हम गुरु के करीब रहते हैं तो ये हमारे जैसे कि सूर्य के करीब रहने से या सूर्य की रोशनी के पास रहने से आपको गर्माहट महसूस होते हैं। गुरु के पास रहने से हमेशा जो है हमारे अंदर शुद्धता रहती है, हमें पतित होने से गुरु महाराज बचाते हैं। और इसलिए अगर कोई किसी से, क्योंकि ये भौतिक संसार ऐसा है कि कभी कोई गलती हो जाए, कुछ भी गलती हो जाए, तो गुरु के सामने कन्फेशन करना चाहिए, गुरु को बताना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए कि गुरु महाराज मेरे बारे में क्या सोचेंगे, नहीं बताए। गुरु जब चस्टाइज करेंगे या क्रोध करेंगे या जो भी उपाय बताएंगे उससे हमारा शुद्धिकरण होगा। गुरु गायत्री के समय गुरुदेव के उत्साहित होने का चिंतन करें। प्रभुपाद एक प्रवचन में कहते हैं कि मुझमें उत्साह नहीं होता तो मैं वृद्धावस्था में अमेरिका कैसे आता। प्रभुपाद एक लेक्चर में बताते हैं कि मैं जो पहला एक साल है मैंने बहुत प्रयत्न किया लेकिन कुछ प्रतिक्रिया इतना नहीं मुझे मिला अमेरिका में जब वो प्रचार कर रहे थे हरिनाम का। तो उन्होंने वो रोज हमेशा ही दो महीने में जो है शिप, जहाँ पे जहाँ से शिप जाती है इंडिया, पूछते हैं कि आपका जहाज कब भारत जा रहे हैं। तो फिर नाविक, एक बार नाविक ने कहा कि स्वामी जी आप हमेशा पूछने आ जाते हैं पर जाते कभी भी नहीं।
तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि मैं 2 महीना और ट्राई करूँ। तो ऐसे ही 2-2 महीना करके प्रभुपाद ने अपना उत्साह कम नहीं होने दिया। बहुत सारी मुसीबतें आई, बहुत सारे हिप्पीज भी प्रभुपाद को जब ज्वाइन किया था उसमें से कुछ ना समझ भी थे जिससे प्रभुपाद को दिक्कत आई, लेकिन प्रभुपाद ने सबको सहन किया, सबको शुद्ध भक्ति करने के लिए ट्रेनिंग दिया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभुपाद का उत्साह का हमें स्मरण करना चाहिए, यानी गुरु का डिटर्मिनेशन, उत्साह, धैर्य सबका हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम लिखने के लिए इतना उत्साहित है कि रोज सुबह 1 बजे उठ जाते थे। 1 बजे मतलब मध्य रात्रि होता है, लेकिन प्रभुपाद के लिए वो सुबह हो जाता था। और इस प्रकार हमारे गुरु महाराज भी ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, क्योंकि कभी अमेरिका में होते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग कंट्री में होते हैं, एग्जाम्पल है ये, तो उसके हिसाब से वो उठ जाते हैं। क्योंकि किसी के साथ, जैसे किसी शिष्य के साथ वो डिक्टेट कर रहे हैं, तो महाराज ही नहीं देखते हैं कि कितना बजा है ना, इतना डेडिकेटेड है। और अभी इतने सारे पुस्तकें लिख, किसी ने तो एक पुस्तक भी नहीं लिखा, तो इतनी बिजी लाइफ, इतना ट्रैवलिंग करना, इतना सारा लेक्चर्स देना और अपनी साधना, और साथ ही साथ इतने लोगों को काउंसलिंग करना, और उसके साथ साथ पुस्तकें लिखना, ये उत्साह का महान दृष्टांत है। प्रभुपाद कहते हैं कि पानी की छोटी छोटी बूंदें जो है पत्थर को भी खींच देती है। प्रभुपाद कहते हैं इसी प्रकार मैंने ये पुस्तकें लिखी है। तो एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद लिख रहे थे तो उनके एक शिष्य आए और शिष्य ने आके कहा कि प्रभुपाद आप लिख, जो लिख रहे मैं टाइप कर दूंगा। प्रभुपाद ने बोला अच्छा आप टाइप कर दोगे, लो टाइप कर दो। तो वो गए और नेक्स्ट डे ही टाइप करके ले आए। प्रभुपाद ने बोला देख प्रभुपाद मैंने टाइप कर दिया। ये लेक्चर में प्रभुपाद बताते हैं एक लेक्चर में, तो बहुत बहुत खुश हो गए प्रभुपाद की, वाह तुमने तो बहुत अच्छा किया। तो उन्होंने कहा कि आपके पास और भी है तो मैं और टाइप कर दूंगा। तो प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है मेरे साथ आओ। जाके बहुत बड़ा संदूक था, बॉक्स था, वो खोला और उसके अंदर इतने सारे पन्ने थे। तो उन्होंने देख के बोला प्रभुपाद ये तो मेरा लाइफ टाइम टाइपिंग होगा, इतना सारा आपने कब लिखा। तो प्रभुपाद ने बोला लाइफ टाइम नहीं, सेवरल लाइफ टाइम। तो ये केवल शक्ति संपन्न व्यक्ति ही कर सकते हैं। जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने इतना बिजी लाइफ में भी कितने सारे जो है उन्होंने ग्रंथ लिख दिया। एक सच्चा शिष्य जो है वो भक्ति में जब उत्साही हो जाता है, उसको ये ज्ञान होना चाहिए जो उत्साह है ये गुरुदेव ने मेरे हृदय में भरा है। ये नहीं मैं बहुत उत्साही भक्त हूँ, मैं बहुत प्रगत भक्त बन गया, शायद मैं बहुत लोगों को भक्त बना रहा हूँ, मैंने बहुत बड़ा प्रचारक बन गया, मैं कितना अच्छा कथा कर लेता हूँ, तो ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए। इससे पतित होने की संभावना होती है, भक्ति में बाधा आ जाएगी। या कभी शिष्य बहुत सारे श्लोका याद कर लिया और कभी गुरु को याद नहीं आ रहा है वो श्लोका, तो अपने आप को समझे कि मुझे गुरु महाराज से ज़्यादा आता है या मैं उन्नत हो गया हूँ, उसी जगह पे उनका प्रगति रुक जाती है। तो ये हमें हमेशा पता होना चाहिए कि सब गुरु की कृपा के फल है, गुरु ने हमारे हृदय में उत्साह भरा है। और हमें चिंतन करना चाहिए कि हमारी उत्साह ही गुरु ने हमारे अंदर उत्साह की शक्ति भर दी है। प्रभुपाद अपने एक शिष्य अच्युतानंद के बारे में बताते हैं कि उनकी माँ जो है हमेशा शिकायत करती थी कि मेरा बेटा घर में पड़ा रहता है, आलस करता है, कुछ काम नहीं करता। लेकिन जब वो प्रभुपाद के साथ रहने आए मंदिर में तो वो इतना उत्साही हो गए, क्योंकि प्रभुपाद ने उत्साह भर दिया, इतना उत्साही हो गए कि कुकिंग करते थे और प्रभुपाद जो जो काम देते थे सारा काम उत्साह से करते थे। सुबह मंगल आरती से उठ के रात तक सेवा करते रहना, तो तुरंत बदल गए। तो श्रील प्रभुपाद को एक क्रिश्चियन जो है, जो उनके फादर होते हैं, जो यानी गिरजाघर के जो पुरोहित होते हैं, तो वो उन्होंने एक पुस्तिका लिखा था, छोटी सी लघु पुस्तिका, वो प्रभुपाद को बहुत पसंद था क्योंकि उस पुस्तिका में उनके एक शिष्य के बारे में वर्णन था। तो उसमें क्या बताया गया है, वो लिखते हैं, वो गिरजाघर के जो पुरोहित है वो लिखते हैं कि ये जो लड़के हैं सब क्रिश्चियन थे, तो ये लड़के हैं ये एक्चुअली हमारे लड़के हैं, पर फिर भी ये लोग कभी चर्च नहीं आते थे, गिरजाघर नहीं आते थे पहले, लेकिन अब जब से स्वामी जी से मिले हैं ये भगवान के लिए पागल हो गए हैं। तो ऐसा गुरु का प्रभाव रहता है।
तो गौड़ मंत्र के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जब हम गौड़ मंत्र का जप करें तो हमें ये ध्यान होना चाहिए, हमें चैतन्य महाप्रभु का ध्यान करना चाहिए कि मैं स्वर्ण वर्णिम चैतन्य महाप्रभु का ध्यान करता हूँ, जिनका सुंदर केश मोतियों की एक माला द्वारा बंधे हुए हैं, उनके चंद्र सदृश मुख पर एक सौम्य मुस्कान है, उनका शरीर चंदन और अगरू से अभ्यंजित है, उन्होंने सुंदर वस्त्र धारण किए हैं। तो महाप्रभु का सौंदर्य का जो है हमें ध्यान होना चाहिए। महाप्रभु एक दिव्य माला तथा आभूषण से विभूषित है, और ये भी याद होना चाहिए कि महाप्रभु साक्षात राधा कृष्ण ही है, जो आज से 500 वर्ष पहले एक भक्त के रूप में आए, और पात्र अपात्रता का विचार किए बिना सबको हरे कृष्ण महामंत्र, जो कि गोलक का प्रेम धन है, वो वितरित किया। तो वे माधुर्य रसपान में विलीन भाव विभोर होकर नृत्य कर रहे हैं। वे कामदेव से भी अधिक कांतिमय हैं और सदा अपने भक्तों द्वारा सेवित हैं। गौर गायत्री श्री महाप्रभु की स्तुति करती है, जो कृपा पूर्वक गोलक के प्रेम को मुक्त हस्ते वितरित करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। और जो भक्त, नवजात भक्त का मतलब नए नए भक्त, जैसे नवजात शिशु मतलब अभी पैदा हुआ शिशु, तो नए नए भक्त को चैतन्य महाप्रभु कृपा के द्वारा लालन पालन करते हैं और भक्ति सुधा द्वारा उसका पोषण करते हैं। चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना कोई भी राधा कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। विश्वंभर शब्द जो है, विश्वंभर का निरंतर स्मरण करने से, विश्वंभर चैतन्य महाप्रभु का ही नाम है, तो हम साधन भक्ति आसानी से कर सकते हैं। जैसे माला, कुछ लोग माला इतना होता ही नहीं है, 16 माला कैसे होगा, बहुत मुश्किल से होता है, नहीं, महाप्रभु का ध्यान करेंगे तो हमारा बहुत आसानी से हो जाएगा और ध्यान पूर्वक होगा। चैतन्य शब्द का अर्थ प्राण शक्ति है, वे हमारे हृदय में विद्यमान है। भगवान चेतन हम क्यों है, कृष्ण के कारण है, तो समस्त चेतना के भंडार महाप्रभु के मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, ऐसा ध्यान होना चाहिए, इसका यही अर्थ है। और चैतन्य शब्द का अर्थ है विश्व को कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में चेतन करना या सचेत करना। महाप्रभु ने चैतन्य जीवन से विहीन जीवों में चैतन्य उत्पन्न करने हेतु संन्यास ग्रहण किया। नहीं तो भगवान को कोई संन्यास ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ताकि वो समस्त जीवों के कल्याण कर सके, इसलिए संन्यास ग्रहण किया। और विश्वंभराय शब्द जो आता है उसका अर्थ है विश्व का पालन करता। गौर गायत्री की जो अंतिम विभाग है उसमें प्रयोजन तत्व अंतर्विष्ट है। प्रयोजन तत्व, प्रयोजन क्या है, कृष्ण प्रेम। गौर शब्द का अर्थ है गौ मीन्स गोविंद यानी कृष्णा, रा मीन्स राधा। तो गौर शब्द व्यक्ति को राधा गोविंद के प्रेम की ओर ले जाता है। तो इसलिए अंतिम में हम यही सारांश में बताना चाहेंगे कि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की तीव्र चाहत हमारे हृदय में पैदा करनी होगी। जैसे कि गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं कि आप इच्छा करो, प्रभुपाद अरेंज कर देंगे। क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, जब कोई गुरु परंपरा से दीक्षित होते हैं तो पूरा गुरु परंपरा उनके सहायता के लिए, उनके जो आध्यात्मिक इच्छा है उसको पूर्ति करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। कई बार हमें लगता है ना, अरे वाह, ये कोइंसिडेंटली हो गया। कुछ भी कोइंसिडेंटली नहीं होता है, सबके पीछे एक रीज़न होता है। तो जब हम दीक्षित होते हैं तो हम क्या होते हैं, तुरंत जुड़ जाते हैं परंपरा से, उनका प्रोटेक्शन और उनके गाइडेंस पर, जब जितना अधिक हम चलने लगते हैं, उनके आज्ञाओं को जितना पालन करने लगते हैं गुरु की, उतना ही अधिक जो है हम भक्ति पथ पर तीव्र गति से आगे बढ़ सकते हैं। तो यानी जो गायत्री मंत्र है वो हमारे हृदय में गुरु के प्रति, गौरांग के प्रति, राधा कृष्ण के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करते हैं, प्रेम उत्पन्न करते हैं, और इस तरह से हम अपना मनुष्य जीवन सफल कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।